मैं एक नज़्म आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। एक शेर है जॉन एलिया का ही, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, जावेद ने पढ़ा था ये, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। क्या बात। तो जहरा निगाह ने कहा इस शेर को सुनने के बाद कि जॉन एलिया को मलाल था। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक शायर कुछ लिखे और उसके पीछे उसका कोई थॉट ना हो। देयर इज अ फीलिंग हेंस यू राइट। तो जॉन एलिया को मलाल था। मैं आज एक इसी जो नज़्म मैं पढ़ने जा रही हूँ उसी में से एक शेर आपके लिए कह रही हूँ कि बस एक मंजरे बेहिजरो विसाल है जिसमें, बस एक मंजरे बेहिजरो विसाल है जिसमें हम अपने आप ही कुछ रंग भरते जाते हैं। बहुत सारी शायरी हिजर पे पढ़ी गई, बहुत सारी शायरी विसाल पे पढ़ी गई, पर मैं जो नज़्म आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ वो होपलेसनेस की उस एक्सट्रीम की बात करता है जहाँ ना तो हिजर है ना विसाल है, बल्कि ख्वाब में भी जो वो देखते हैं उस पर उनको यकीन नहीं होता। ही हैज़ रीच दैट पार्ट, दैट एक्सट्रीम ऑफ होपलेसनेस वेर ही थिंक्स दैट इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल दैट दे कैन बी टुगेदर और देयर लव कैन बी रिक्वेस्टेड और दे कैन एवर बी टुगेदर। बट ऑफकोर्स दैट नमनेस, दैट एम्प्टीनेस इज ऑल्सो अ फीलिंग। वी से इन नमनेस वी डू नॉट हैव एनी फीलिंग, बट दैट नमनेस इज अ फीलिंग, हैंस द पोएट राइट्स। आई ब्रिंग टू यू द नज़्म। आई हैव जस्ट, नज़्म का नाम है मगर ये जख्म ये मरहम। जख्म आपको पता है वुंड और मरहम हीलिंग। तुम्हारे नाम तुम्हारे निशां से बेसरोकार, तुम्हारे नाम तुम्हारे निशां से बेसरोकार, तुम्हारी याद के मौसम गुजरते जाते हैं। बस एक मंजरे बेहिजरो विसाल है जिसमें, बस एक मंजरे बेहिजरो विसाल है जिसमें हम अपने आप ही कुछ रंग भरते जाते हैं। न वो नशाते तसव्वर के लो तुम आ ही गए, इट इज नाइदर इमेजिनेशन, द बिलवड हैज लेफ्ट द इमेजिनेशन ऑल्सो, ही हैज कम टू दैट लेवल ऑफ होपलेसनेस। न वो नशाते तसव्वर के लो तुम आ ही गए, न जख्म दिल की है सोजिश कोई जो सहनी हो, तकलीफ भी नहीं है जो सहनी हो। न कोई वादे पैमा की शाम है न सहर, न कोई वादे पैमा की शाम है न सहर, न शौक की है कोई दास्तां जो कहनी है। वही नहीं तो महफिले लैला आरजू सरेरा, नहीं जो महमिले लैला आरजू सरेरा। द कंसेप्ट, द मेटाफर ऑफ महमिल एंड लैला इज अ वेरी कॉमन वन इन उर्दू पोएट्री, जहां पर वी टॉक अबाउट द सैडल ऑन द कैमल ऑन विच लैला यूज टू राइड। So it's like, you know, it's like desire. The Majnu used to see Laila on the palanquin, on the camel, and he used to desire, and he used to think about her, he used to wait to see her on that. Because obviously, us zamane mein wo saamne nahi aati thi, she used to move in a palanquin. So ye metaphor bahut commonly use kiya jata hai Urdu shayari mein. Nahi jo mehmile Laila-e arzu sarera, to ab faza mein faza ke siva kuch aur nahi. Nahi jo mauj saba mein koi shami mein payam, there is no saint of any message from you. Nahi jo mauje saba mein koi shami mein payam, to ab saba mein saba ke siva kuch aur nahi. Utar de jo kinare pe humko kashtiye vehm, utar de jo kinare pe humko kashtiye vehm, to girdo pesh ko girdab hi samajhte hain. Tumhare rang mehakte hain khwab mein jab bhi. I'll repeat this one because I think these two lines are the essence of the entire nazm. तुम्हारे रंग महकते हैं ख्वाब में जब भी, तो ख्वाब में भी उन्हें ख्वाब ही समझते हैं। लोग ख्वाब को तो सच मान लेते हैं, बट ही इज एट दैट लेवल ऑफ होपलेसनेस कि वो ख्वाब को भी समझते हैं कि ये ख्वाब ही है, दिस इज नेवर गोइंग टू कम ट्रू। न कोई जख्म न मरहम कि जिंदगी अपनी गुजर रही है हर एहसास को गंवाने में, न कोई जख्म न मरहम कि जिंदगी अपनी गुजर रही है हर एहसास को गंवाने में, मगर ये जख्म ये मरहम भी कम नहीं शायद कि हम हैं एक जमी पर और एक जमाने में। द लास्ट लाइन सेज, सी इट्स आयरॉनिकल, इट्स रादर अ पैराडॉक्स, वेर ही सेज दैट आई हैव लॉस्ट ऑल फीलिंग्स फॉर यू, बट देन एट द लास्ट लाइन ही सेज कि हम हैं
एक जमी और एक जमाने में इफ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस ही इज हैप्पी एटलीस्ट द बिलवड लिव्स इन द सेम टाइम एंड स्पेस. थैंक यू.